तो वो घुमा खेल लेते हैं। बस ये डिपेंड करता है उसके प्रैक्टिस के ऊपर, उसके खेल के ऊपर, कैसे वो खेलता है कैसा नहीं। चले देखते हैं लकी क्लॉय वर्सेस मॉर्टिस। बहुत अच्छी लो पैरी की तरफ से आगे कॉम्बो की तरफ, बॉल की तरफ लेके जा रहे हैं आगे, बहुत अच्छा। अभी इसके पीछे बैक रोल कैच वेट करके, ये बहुत अच्छा कैच किया उन्होंने, वेट करके पेशेंस दे के डाउन ब्लैक 1+2 बड़े अच्छे से खेलने हैं नॉटिस, मौका नहीं दे रहे लकी क्लॉई को। बहुत अच्छा इंटरप्ट मारा है वहाँ पे, इनके साइड स्टेप भी बहुत अच्छी है नॉटिस जिनसे खेल रहे हैं। मतलब कैच एयर से कैच करके और ये राउंड खत्म कर दिया। ये राउंड की स्टार्ट में दोनों की ट्रेड और ये बहुत ज्यादा डैमेज आ रहा है, ज्यादा डैमेज आएगा। ये प्लस पॉइंट है शायद लकी क्लॉई का क्योंकि वो क्रश कर देता है, हाइज नहीं लगती। और फिर इसकी हॉप किक भी, हॉप किक भी जैब को क्रश कर देती है। पीछे की तरफ से पकड़ लिया उन्होंने, विफ पनिश बहुत अच्छी है बॉल की तरफ, और बॉल प्रेशर यहां पे डाल रहे हैं उसमें। हेल्थ स्वीप बहुत अच्छा मारा उन्होंने, डेमो मैन, ईमो मैन, सॉरी ईमो मैन, उसको वही इसकी इसके बालों की वजह से ना इसको ईमो के मैन कहते हैं, रॉयल डेमो मैन। बिल्कुल बिल्कुल अभी ऐसा बहुत अच्छा कैच एंड भी चेंज कर लिया। स्प्रिंग किक विफ होगी, नो पनिश, ये क्यों पनिश देनी चाहिए। ब्लॉक अच्छा, उन्होंने इंटरप्ट करने की कोशिश की तो पूरा का पूरा स्ट्रिंग खा लिया उन्होंने। और ये सिंपल शॉट से अगला राउंड शुरू हो गया नॉकटिस स्टार्ट से ही। अब जेबी अपनी मोमेंटम वापस आने की कोशिश, लेकिन नॉकटिस फिर बॉल की तरफ लगता है जहाँ तक मलिक एशेस की टाइमिंग वगैरह नोट करना चाह रहे थे, और वो नोट करने के बाद अपनी सिचुएशन पर आ रहे हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है। चले देखते हैं यहाँ, बहुत अच्छा साइड स्टेप वहाँ से और विफ पनिश करके मलिक एश ने शुरू में एकदम से रश डाउन करके फिर पीछे होके उनको सारा चेक किया ये किस सिचुएशन में क्या करते हैं, फिर उस हिसाब से उनके जवाब आ रहे हैं साइड स्टेप वगैरह पनिश। ये भी बड़ी बात होती है कि आप थोड़े से कम टाइम में एकदम अगले को जज कर लें किस तरह वो खेल रहा है, क्या कर रहा है, क्या टाइमिंग है उसकी, ये वो एवरी सिचुएशन को जज करना आई थिंक बहुत मुश्किल है। मुझे तो बहुत टाइम लगता है मैं अगर अपनी बात करूं, लेकिन इनको कहते हैं प्रो प्लेयर, ये वही होते हैं ना जो हाँ टूर्नामेंट में अच्छे प्लेयर वही है जो अडैप्ट करते हैं, जो अगले को देख के वो अपने आप को बदल लेते हैं, अपना एडजस्ट कर लेते हैं, हाँ सिचुएशन के मुताबिक मोल्ड कर लेते हैं खुद को, एडजस्ट जो सबसे अच्छा एडजस्ट कर लेते हैं वही टूर्नामेंट में आगे जाते हैं। इस एडजस्टमेंट से मुझे बहुत याद आ गई मिस्टर ब्रूस ली की, मेक योर माइंड लाइक अ वाटर, जिस कप में डालोगे वैसा हो जाएगा, जिससे दिमाग को बिल्कुल पानी की तरह रखना है, बिल्कुल जिधर डालो वैसा वैसा रूप ले लो उसका। ये सिचुएशन यहाँ के लिए सब बिल्कुल पूरी टैकिंग के लिए बिल्कुल ऐसा ही है। चले अब देखते हैं क्या पता, अब देखते हैं जेबी भी शायद अपना कम बैक की कोशिश, बिल्कुल मैं यही कहने लगा था। ब्लॉक करके कैच कर लिया, नीचे नीचे डक करके कैली रोल की तरफ जानी थी और बॉल कैरी नहीं हो सका। अभी अब फिर प्लस फ्रेम्स और डाउन बैक 1+2 करके फिर उठने नहीं देना उसको, मारी जा लो पैरी करके फिर और बहुत अच्छा। अब ये यहाँ से ये बस अब ये खत्म हो जाना चाहिए, यहाँ पे बॉल की तरफ जाएंगे और एक और हिट डाउन फॉर वन ट्रेड पे। आई थिंक जेबी वे बी अंडर प्रेशर है, लेकिन देखते हैं वो कैसे कम मारे के कैश का मोमेंटम बहुत तेज है इस वक्त, बिल्कुल फिर हॉप किक छोड़ते हैं, ओके पनिशेबल है और फिर कैच कर लिया पीछे की तरफ से, बहुत अच्छा खेलते हुए मलिक एश, और फिर वापस वॉल पे प्रेशर के साथ बहुत अच्छी गेम दिखा रहे हैं, वॉल से हटने नहीं दे रहे उनको बिल्कुल भी, बहुत ज्यादा उस डक नहीं मिलना, फिर पीछे बैक पे कैच कर लिया, क्या साइड स्टेप किया मलिक एश, जबरदस्त शट डाउन कर रहे हैं मिलकर उसकी लकी क्लॉई को, उनको एक्सपीरियंस नजर आ रहा है मलिक एश का, उनको पता है सारी स्ट्रिंग्स वगैरह का। मुझे उम्मीद है जेबी वे भी जल्दी से वापस आ जाएंगे और दोबारा ये अपने मोमेंटम गेन कर लेंगे, क्योंकि ये जा रहे हैं कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश बड़ी बात होती है, और आई थिंक सो के मुझे लग रहा है, और फिर काउंटर पे पकड़ लिया मेरे ख्याल में मलिक एश को, जेबी वे की टाइमिंग का अंदाजा हो गया और वो उसी हिसाब से कैच कर लेते हैं उनको बटन दबाते हुए, और बहुत लाइफ लीड लेगी और बिल्कुल एक हल्की सी चोट चोट लगने की देर है। अब रेंज पे आ गए, रेज आर्ट बहुत अच्छी रेज है, बहुत अच्छी टाइमिंग पे जेबी भी, मुझे लगता है ये कमबैक होने वाला है, आपको क्या लगता है इस बारे में? बिल्कुल हो सकता है यार, पाकिस्तानी अटैक इनका मुझे अंदाजा हुआ, कोई पता कुछ नहीं होता, कभी कुछ भी हो जाता है, बिल्कुल तो देखते हैं ये क्या कमबैक कर सकते हैं, और मलिक एश दोबारा प्रेशर कर रहे हैं,
वैसे आप न्यूट्रली अगर बात करें, आप किस साइड को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जेबी में भी या यार? मैं ऑनेस्टली मलिक कैश पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी मूवमेंट वो आगे बहुत कैलकुलेट करके ना, पीछे होके आगे होके परफेक्ट स्पेस रख रहे हैं, साइज किस्म का। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, नो मिस्टेक, कोई गुंजाइश नहीं गलती ऐसी, बिल्कुल। लेकिन वो देखो वेट करके, पेशेंट करके, उन्होंने राइट टाइम देखना, और साथ ही सबसे बुरी वाली पनिश मार दी अले जी, और ये मलिक कैश बहुत बहुत तेजी से 2-0 बहुत अच्छा खेले नॉकआउट्स के साथ, और जेबी वे भी अच्छा खेले, लेकिन कोई बात नहीं, आराम आराम से वो भी अपनी जगह पे बना लेंगे। पहला टूर्नामेंट अब इंशाल्लाह बहुत और आगे, टाकर कप 2 पे मिलेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है ये अगली दफा और सीख कर, अपनी गलतियों से सीख कर आएंगे। यही टेकन है, यही टाकर है। विनर साइड पे हमारे पास आ गए हैं फर्गस आयरलैंड से विद किंग शानी। अब मजे की बात आपको बताऊं, मजे की बात आपको बताता हूं, हम लोग गए थे पिंडी वाले आर्केड, ठीक है, हम ऊपर गए फर्गस सर के साथ था। अच्छा, पहला बंदा जो इनके साथ खेला शानी, अच्छा किंग शानी, जिनका मैच अभी इनके साथ है, इन्हीं के साथ उन्होंने पहली गेम खेली वहां पे, फर्स्ट टू 10 खेला था और फर्गस जीत गया था। आई थिंक फर्गस जो है इटली का टॉप आयरलैंड।